सतनाम सत साहब। अध्याय 9 का 30वां श्लोक है, जिसमें लिखा है कि कोई चाहे कोई कितना भी दुराचारी व्यक्ति हो, वह भी अनन्य भक्त होकर के, यानी एक भक्ति का जो मार्ग है उसको अपना करके, नाम जप के द्वारा ध्यान योग करके जो अपनाता है ईश्वरमय हो जाता है, तो उसको साधु ही मानना चाहिए। लेकिन इस समय में यानी गीता जी के बाद कलयुग आया है, श्री कृष्ण जी के आगमन के बाद कलयुग आया है, लेकिन पूरे कलयुग में इस श्लोक का या जो 32वां श्लोक है इसका प्रभाव उस समय के धार्मिक जो विचारधारा वाले व्यक्ति थे या धार्मिक रूप से जो अपने आप को ईश्वर भक्त कहते थे कि एक ही जाति को धार्मिकता का अधिकार दिया गया, उनकी समझ में यह श्लोक आए नहीं है। तो यह एक बहुत ही विचारणीय और रहस्यमयी बात है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो अध्याय 9 का 32वां श्लोक है, हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनियों वाले हों, देखिए श्री कृष्ण जी कह रहे कि जो भी पाप योनि वाले हों, यानी समाज की नज़रों में जो स्त्रियां वैश्य व शूद्रों को भक्ति का मार्ग नहीं दिया जाता था, वह भक्ति के लिए नहीं अधिकारी माना जाता था, वह मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यदि कोई पाप आप इनको पाप योनि भी समझते हैं, लेकिन है नहीं, लेकिन श्री कृष्ण जी बता रहे हैं समाज को सुधारना चाह रहे हैं, एक शिक्षा देना चाह रहे हैं, जो अपने आप को स्वर्ण समझते थे और धर्म के ठेकेदार थे, तो उनके लिए कह रहे हैं कि जो पाप योनियों वाले हों तथा जो भी स्त्रियां वैश्य और शूद्र हों, वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर के निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। पहले ये समझा जाता था कलयुग में कि एक ही जाति का व्यक्ति ईश्वर की भक्ति कर सकता है, लेकिन श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, और इस कलयुग अब ख़त्म हो चुका कलयुग, लेकिन इस पूरे कलयुग में यह जो श्लोक है इनका अर्थ इन जो विचारधारा के लोग थे, जो यानी एक तरह से धर्म के ठेकेदार थे, उनकी समझ में ये गीता जी का यह रहस्य वह श्लोक नहीं समझ में आया। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, यदि वह एक सही मार्ग को अपनाता है, एक सही तरीके को अपनाता है, तो वह चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, या शूद्र हो, या वैश्य हो, यानी कोई भी हो, जिसे मनाई थी चाहे वह भी हो, तो वह भी उस मालिक को प्राप्त कर सकता है अपने इसी शरीर के अंदर से। तो ये देखिए फिर यानी पूरे कलयुग में, फिर क्यों कलयुग ने त्रेता युग में भी यही जाति व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ पर भी एक श्लोक आता है, लेकिन जाति व्यवस्था इतनी गहराई से थी कि कवि जो था वह भी लिखने और बोलने में घबराया हुआ था, घबरा हुआ महसूस होता है कि वह भी डरा हुआ है और उसने उस बात को घुमा फिरा के कही है। देखिए क्या है, फिर क्यों स्त्रियों व वैश्यों व शूद्रों को मंदिर नहीं जाने दिया गया था। श्री कृष्ण जी ने गीता की रचना या गीता कही द्वापर युग में, पूरा कलयुग बीत गया, 5000 साल बीत गए हैं, ठीक है, तो भक्ति वर्ण व्यवस्था पर निर्भर नहीं होती है। श्री कृष्ण जी के अनुसार साफ हो जाता है कि भक्ति का जो मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है, धार्मिकता का जो मार्ग है, वह केवल जाति व्यवस्था पर नहीं है, वर्ण व्यवस्था पर नहीं है, निर्भर नहीं है, वह केवल और केवल मन के भाव पर निर्भर होता है। गीता तो पहले से ही थी, क्या पहले के धर्मावलंबी या धर्म के ठेकेदार कह लीजिए एक तरह से, गीता को नहीं मानते थे, या धर्म को राजनीति क्षेत्र बनाया हुआ था या बना लिया था, या धर्म पर एकाधिकार जमा लिया था और धर्म को अपना व्यवसाय मात्र बना लिया था, या धर्म को केवल व्यवसाय बनाकर समाज को लूटा गया है। हम लूटने वाली बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए था वह हुआ नहीं है,
और एक तरह से धर्म की हानि हुई है। तो तभी श्री कृष्ण जी ने कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अब इस समय भी बहुत यानी पूरे कलयुग में धर्म की हानि हुई है। धर्म को एक जाति ने ही अपना अधिकार जमा लिया था कि धर्म केवल एक ही जाति के लोग कर सकते हैं वह धर्म धार्मिक कार्य। लेकिन अब इसी हानि को बचाने के लिए श्री कल के अवतार जी आ रहे हैं। असली कलयुग का प्रभाव उस समय था जब जाति से ब्राह्मण को सर्वोपरि समझा व माना गया है, वह समाज के सामने प्रस्तुत किया गया। और दूसरे जो मानवीय समाज था, जो मनुष्य समाज था, उसको एक शूद्र की संज्ञा दे करके सामाजिक बहिष्कार किया गया है और धार्मिक रूप से उनके अधिकारों का हनन किया गया। उन्हें मंदिर भी नहीं जाने दिया गया। उसमें स्त्रियां भी थी, वैश्या भी था और जाति से शूद्र भी थे। तो एक श्लोक है यानी रामचरितमानस का भी एक श्लोक है। यहाँ कवि जो है वह ऐसा महसूस होता है अपने आप को किसी बेड़ियों से बंधा हुआ महसूस होता है। इस श्लोक को उसने घुमा फिरा करके कहा है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। वह साफ शब्दों में जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा साफ शब्दों में कि चाहे स्त्री हो वैश्या हो शूद्र हो सभी को समान अधिकार है धार्मिकता के क्षेत्र में। तो यहाँ पर ये जोड़े गए हैं कुछ जैसे ढोल गंवार जोड़ा गया या गंवार से अर्थ हो सकता है उस समय में वैश्य से। तो शूद्र पशु नारी या पशु भी हो सकता है जोड़ा गया, नारी सकल ताड़न के अधिकारी यानी ताड़ना शिक्षा से होता है। यानी सभी ये स्त्री और शूद्र जो जाति थी इसको भी ध्यान योग की शिक्षा का समान अधिकार मिलना चाहिए, कवि यह कहना चाहता है। लेकिन हो सकता है इसमें यानी इसमें कोई धर्म के जो ठेकेदार थे उन्होंने इस श्लोक को घुमा फिरा करके जोड़ दिया गया है। लेकिन बहुत ही निंदनीय और यानी इस तरह से यदि हम पूर्व काल के धर्म धार्मिक व्यवस्था को देखें तो वास्तव में बहुत ही निंदनीय है श्री कृष्ण जी के अनुसार भी। क्योंकि एक विशेष जाति को, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यह जाति व्यवस्था केवल यानी इस्लाम के द्वारा आई है या अंग्रेजों के द्वारा आई है, लेकिन यह जाति व्यवस्था और जो जाति व्यवस्था और एक जाति को हीन समझ करके मानवीय दुराचार व उनके साथ में अत्याचार जो हुआ है वह घोर कलयुग एक तरह से हम कह सकते हैं। तो वर्ण व्यवस्था राम जी के समय में भी थी और कवि वाल्मीकि जी थे, यानी वाल्मीकि जी एक संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लेकिन वह भी यहाँ पर यानी बंधा हुआ महसूस होता है कि वह साफ शब्दों में कह नहीं पाए और इन पर अत्याचार अधिक हुआ था। महाराजा वाली प्रथा थी यानी उस समय क्या राजा राजतंत्र था, इसलिए कवि खुल कर भी नहीं बोल सकता था, नहीं तो पता था कि मृत्यु दंड मिलना निश्चित है। श्री कृष्ण जी ने साफ शब्दों में कहा है। देखिए श्री कृष्ण जी ने अध्याय 9 के 32वां और 30वें श्लोक में, वह एक श्लोक इससे पहले के अध्याय में भी आता है, उसमें साफ शब्दों में कहा कि स्त्री और शूद्र या वैसा कोई भी यानी कोई भी व्यक्ति हो यदि वह पवित्र मन से है तो वह भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है और ईश्वर को प्राप्त करने का समान अधिकारी है। तो यानी श्री कृष्ण जी ने साफ शब्दों में कहा है कि वे भी भक्ति कर सकते हैं क्योंकि श्री कृष्ण जी भी एक राजा थे, इसलिए उन्होंने कहा। यदि वह भी एक कवि मात्र होते तो वह भी इस श्लोक को घुमा फिरा करके कहते, और ऐसा हो ही नहीं सकता यदि कोई संत हो और वह पक्षपात वाली बात करता हो। क्योंकि संत का अर्थ होता है गहन समाधि, और गहन समाधि में जब साधक पहुंच जाता है तो वहाँ वसुदेव कुटुंबकम वह समता दृष्टि वह बुद्ध वाली सम्यक दृष्टि आ जाती है। लेकिन आज तक भी मंदिरों में भी प्रवेश वर्जित है। कलयुग पूरा बीत चुका लेकिन आज भी हमारे जो स्वर्ण समाज समझा जाता है
उनकी मानसिक दशा इससे अभी भी प्रभावित है। वास्तविकता हकीकत एक दो बार हमारे साथ भी हुआ है। सामाजिक असमानता आज भी देखने को मिल जाती है। तो यदि ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण जी के अनुयायी आज भी हैं, उस समय के धर्मावलंबी भी श्री कृष्ण जी के अनुयायी थे, तो क्या उन्होंने इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया, क्यों छुपाया गया है? तो हो सकता है, यानी इससे साफ हो जाता है कि धर्म जो है ठेकेदारी व्यवस्था पर चल रहा था, कुछ लोगों ने अपना कब्जा किया हुआ था, इसलिए धर्म की हानि हुई है। और इसलिए कल के अवतार जी आने वाले हैं जो इस धर्म की हानि हुई है इसको पूरा करेंगे। आइए और बढ़े, ध्यान योग करें, सभी व्यक्ति समान है। और इसको यदि आपको महसूस करना है समानता का अनुभव, समता दृष्टि वाली सम्यक दृष्टि, तो आप महसूस कर सकते हैं ध्यान योग की गहन समाधि में जा कर के। वास्तविकता होती है, कोई यह दिखावा और आडंबर नहीं है। समता दृष्टि साधक की आ जाती है जो ध्यान साधना करता है। यदि पाखंडवादी है और वह इस तरह की धार्मिकता का बखान करता है और फिर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है, तो वह पाखंडवादी साबित हो जाता है श्री कृष्ण जी के अनुसार। सतनाम सत्सत।